जब तक ऐसे ना करो ना तो मस्कारा लगता ही नहीं है। आज एम बाइंग सो मेनी हाईलाइटर और जो फाइनली अच्छा लगता है हमारे ऊपर वो है एक आई शैडो पैलेट, लाइक हाउ शॉकिंग इज दैट बट आई एम लविंग दिस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। आई एम बैक विद अनदर मंथली फेवरेट्स। आज बात करने वाली हूँ फेब फेवरेट्स की। फेब थोड़ा सा छोटा होता है बिकॉज खाली 28 डेज का होता है, लेकिन इस वाले फेब में काफ़ी ज़्यादा हुआ है बिकॉज आपने मेरे व्लॉग्स तो देख ही लिए होंगे। कशिका चौहान वैसे इतनी व्लॉगिंग नहीं करती, लेकिन इतनी सारी शादियाँ थी ना, मेरे कजन की थी, मेरी फ्रेंड की थी, तो मैंने सोचा सारे मोमेंट्स को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। तो रिसेंटली आपने बहुत सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पर देखे होंगे। मैंने ज़्यादा सिट एंड टॉक वीडियो लास्ट मंथ नहीं बनाई, बट दिस मंथ काफ़ी सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हुक टू माई चैनल। फेब में काफी सारे मेरे फेवरेट्स हैं, स्पेशली जो वेडिंग्स एंड ऑल, मेकअप और जो भी बॉडी केयर एंड ऑल होता है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूजली मेरे मंथली फेवरेट्स हमेशा स्किन केयर के साथ स्टार्ट होते हैं, लेकिन फेब में मैंने इतना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया स्किन केयर के साथ बिकॉज बहुत सारी वेडिंग्स थी। जब ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना तो मैं इतना स्किन केयर में एक्सपेरिमेंट नहीं करती। जो चीज़ें मुझे सूट हो रही होती है मैं वही यूज करती हूँ। सो नथिंग मच इन स्किन केयर। एक दो आइटम है वो मैं आपको दिखा दूंगी, बट मेकअप के बहुत सारे आइटम्स हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा शादी सीजन का फेवरेट आई शेडो पैलेट, जो काफी फेवरेट है मेरा, लेकिन मैंने कभी इसको अपने मंथली फेवरेट्स में दिखाया नहीं। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, बेटर लेट देन नेवर। वो है ये फ्लावर ब्यूटी का गिमी गोल्ड पैलेट। इट्स अ ब्रांड फ्लावर ब्यूटी, आपको नायका पर अवेलेबल होगी, एक्सक्लूसिवली नायका पर ही मिलती है। ये इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड है, ये आपको किसी और वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। एंड ओ माई गॉड, दिस पैलेट इज सो सो गुड। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जब भी इनकी फ्लैट 50%, 40%, 30% ऑफ कभी भी कोई डील आती है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये वाला पैलेट और इनका जो ब्लश बॉम है प्लीज ले लो, बिकॉज दोनों इतने अमेजिंग है ना। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैलेट इज इसके जो शेड्स है ना, इट इज परफेक्ट फॉर एनी इंडियन वेडिंग। लाइक लुक एट द शेड रेंज, कोई भी आपको इंडियन वेडिंग का लुक करना होगा ना, डे टाइम का, नाइट टाइम का, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैलेट इज इसमें जितने भी गोल्डन सिल्वर हल्के से डीप गोल्डन टोन्स आपको शेड मिल रहे हैं वो इतने फाइनली मिल्ड है कि आप उसको एज अ हाईलाइटर भी यूज कर सकते हो। येस, मैंने आज भी जो हाईलाइटर यूज किया वो ये लास्ट सिल्वर वाला शेड है। सो अगर आप हाईलाइटर में स्पेसिफिकली नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप कम से कम मेकअप लेना चाहते हो, गो फॉर दिस पैलेट बिकॉज इसके जो ये दो डार्क कॉन्टोर शेड भी है ना, इससे आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो बिकॉज ये दोनों मैट शेड है। सो आपका कॉन्टोरिंग का, आपका हाईलाइटिंग का और आपका आई शेडो का, तीनों का इससे काम हो जाता है। इट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन वन एंड गेटिंग सो मच आउट ऑफ इट। अनदर बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैलेट इज द ब्लेंडिंग ब्रश। इसके साथ जो ये ब्रश आता है ये इतना प्यारा अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडिंग ब्रश, आप इसी से पूरी लुक क्रिएट कर सकते हो। आप ये ट्रांजिशन के शेड्स उठाओ ब्रश से और जो भी हाईलाइटिंग वाले अंदर के ग्लिटर शेड्स हैं आप उसको फिंगर से पिक करके अप्लाई कर सकते हो एंड दैट्स इट। आपको प्रो होने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको टोन्स मिलते हैं गोल्डन के, दे लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अभी इतना ज्यादा कैमरा है पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, बट दे आर वेरी वेरी फाइनली मिल्ड, बिल्कुल वो चंकी बड़े बड़े ग्लिटर नहीं है। सो गो फॉर दिस इफ यू आर ब्राइड टू बी, या फिर आप भी बहुत सारे वेडिंग फंक्शन अटेंड करते हो, ये पैलेट इज अ मस्ट हैव। दिस इज माय फेब्रुअरी शादी सीजन का फेवरेट पैलेट। आई हैव अनदर फेवरेट आई शेडो प्रोडक्ट जो है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। आई नो ये काफी पुराना प्रोडक्ट है जो काफी पहले हाइप हुआ था, थोड़ा सा गायब हो गया बिकॉज और भी मार्केट में बहुत सारे लिक्विड आई शेडोज आ चुके हैं, बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मेरे पास जो शेड है इसका नाम है रोज गोल्ड रेट्रो। ये बहुत प्यारा डीप गोल्डन टोन का एक शेड है, ओ माई गॉड ये इतना सुंदर लगता है ना। अगर आपको डे टाइम का मेकअप कर रहे हो ना, हमेशा लिक्विड आई शेडोज लगाया करो, इसका एक कलर अलग लेवल पे पॉप होके आता है। आपने अगर मेरा लगन मेकअप लुक नहीं देखा, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हो मैंने इसको अपनी आईलेट्स पर अंदर लगाया था और फिंगर से उसको ब्लेंड कर दिया था एंड दैट्स इट। ये बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे अच्छी क्वालिटी यही ऑफर कर रहा है। आई हैव अ फेवरेट इन मस्कारा कैटेगरी एज वेल, वो है ये टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा एंड ओ माई गॉड इट इज वर्थ एवरी हाइप। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो आपने देख लिया होगा मैंने इसकी एक रील बनाई थी। ये मुझे नायका से पीआर में आया था तो इतना कोई कंपल्सरी नहीं था कि आप कॉन्टेंट डालो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मैंने पूरी डेडिकेटेड रील बनाई है, अगर आपको नहीं पता इंस्टाग्राम पर मैं करती हूँ कशी क्विक रिव्यूज, आप वो हैशटैग भी जाके देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारे रिव्यूज मिलेंगे जो मैं इंस्टाग्राम पे क्विकली वाले करती हूँ। दिस इज वन ऑफ देम जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, लव 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 इट। ये फुल साइज प्रोडक्ट है टू फेस का, तो ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन टू फेस एक टाइनी सैम्पल साइजेस भी बनाते हैं, सैम्पल ही बोलूंगी लेकिन मिनिएचर्स बनाते हैं, सो वो कुछ सस्ता आता है, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मैंने रिसेप्शन लुक जो क्रिएट करी थी उसमें आप देख सकते हो मैंने यही यूज किया था और आपको फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इससे इतना अच्छा वॉल्यूमिनस और लेंथनिंग इफेक्ट आता है, बिल्कुल मेरी लैश चिपकती नहीं है, क्लंपी नहीं फील होती। मैंने अभी भी आज यही लगाया, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इट इज वर्थ द हाइप। इसका जो वॉन्ड है ना वो भी इतना अच्छे से कोट करता है ना एक एक लैश को, इसके एक आर ग्लास सॉर्ट ऑफ एक शेप है जो बहुत अच्छे से लैशेस को कोट करती है। ऑल्सो आई थिंक दिस ब्रांड इज क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर आप कुछ लग्जरी मेकअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, ये आप डेफिनेटली चेक करना। और टू फेस्ड जो ब्रांड्स हैं और भी
बहुत सारी जितने भी नायका लक्स कैटेगरी में आपको ऐसी ब्रांड्स मिलती है ना, इन पे कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है कि आप इतने का लोगे तो ये फ्री मिलेगा या कुछ फ्री मिलेगा, तो उस टाइम पे अगर आप ऐसी चीज़ें लोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर अच्छी डील मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। टॉकिंग अबाउट बेस मेकअप प्रोडक्ट, वैसे तो वेडिंग के सारे फंक्शन में मैंने वही यूज़ किया जो मैं यूज़ करती आ रही थी। ओनली वन थिंग जो मैंने लास्ट रिसेप्शन में आते थे ट्राई करी बिकॉज मेरे पास ये काफ़ी टाइम से रखा था, वो ये के बाय कैटरीना के कंसीलर, अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं कंसीलर, दिस हाउ इट लुक्स लाइक, एकदम क्लासिक के बाय कैटरीना की पैकेजिंग है। कंसीलर का जो फॉर्मुलेशन है ना वो डिट्टो इनके फाउंडेशन जैसे एक टेक्स्चर फील होता है, मतलब जैसे फाउंडेशन एकदम हाइड्रेटिंग है, ड्यूई है, वैसे ही कंसीलर फील होता है। सो अगर आप ड्राई स्किन फैमिली से हो ना, के बाय कैटरीना का फाउंडेशन भी एंड कंसीलर भी ट्राई करना, यू विल लव इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को मैट नहीं करता, ड्राई आउट नहीं करता। सो मुझे इनके कंसीलर अभी फिलहाल अंडर आइज पे काफी सही लग रहे हैं बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 3-4 आवर्स के बाद ना मेरी अंडर आइज अजीब सी केकी हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है। सो मुझे इनके कंसीलर अपनी अंडर आइज पे काफी सही लग रहे हैं। मेरे पास 4 शेड है यहाँ पे, मैं चारों का स्वॉच यहाँ पे डाल दूंगी। मैंने जो रिसेप्शन मेकअप लुक क्रिएट किया था मैंने उसमें ये वाला कंसीलर यूज कर लिया था जो थोड़ा सा ऑफ हो गया था, मुझे एक हाईलाइटिंग कंसीलर यूज करना चाहिए था लेकिन मैंने ये वाला यूज कर लिया था, ये 140Y मीडियम। सो इनके जितने भी फाउंडेशन और कंसीलर जितने भी इनके बेस प्रोडक्ट्स आते हैं ना, आई लव द फैक्ट कि शेड रेंज तो आपको मिलती है, एट द सेम टाइम आपको PNY आपको अंडरटोन भी मिलता है। सो अगर आपको अपनी अंडरटोन नहीं पता आप सिंपली गूगल कर सकते हो। कुछ नर्व्स का कलर होता है, आप धूप में जाके अपनी नर्व्स का कलर चेक करोगे ना, लाइक मेरी नर्व्स हल्की सी पर्पल दिखती है तो मेरा जो बॉडी का अंडरटोन है ना वो हल्का सा पिंक सॉर्ट ऑफ अंडरटोन है। यू कैन गो एड एंड चेक आउट दैट रिसेप्शन मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो कंसीलर मैंने ब्लेंड कैसे किया था, अप्लाई कैसे किया था। उस मेकअप लुक के हिसाब से थोड़ा सा मैंने येलो अंडरटोन का पिक कर लिया, मुझे इनका लाइट न्यूट्रल अंडरटोन का लेना चाहिए था। आई हैव 110N लाइट एज वेल, ये मैं डेफिनेटली फ्यूचर में ट्राई करूंगी, बट ये मुझे काफी सही लगा। मैं नेक्स्ट टाइम अगर कलर करेक्टिंग करूंगी या फिर थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग बेस बनाना चाहूंगी ना तो मैं यही यूज करने वाली हूँ, आई लव्ड इट। अगर स्टिल आपको अपनी अंडरटोन नहीं पता तो प्लीज गूगल करो, अच्छे से देखो कि आपका नर्व्स का कलर क्या है, आपके स्किन की अंडरटोन क्या है, उसके हिसाब से अपना न्यूट्रल येलो या फिर पिंक अंडरटोन का शेड पिकअप करना ज्यादा ईजी भी रहेगा और ज्यादा आपको सूटेबल भी रहेगा। कमिंग टू लिपस्टिक कैटेगरी, सबसे ज्यादा जो मैंने फेब में इंजॉय करी है वो है ये लिपस्टिक का सेट, ये मेबली न्यूयॉर्क का क्रीमी मैट बाय कलर सेंसेशन का 2 मस्ट हैव शेड बेसिकली। ये सेट ऑफ 2 आपको मिलता है, आपको अमेजॉन नायका दोनों पे मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। और इसमें 2 मस्ट हैव शेड है एंड दे आर राइट, दीज आर एक्चुअली मस्ट हैव। सबसे पहले इसमें है नूड नुआंस और एक है टच ऑफ स्पाइस। टच ऑफ स्पाइस तो मेरा कॉलेज टाइम का फेवरेट शेड है, सबसे ज्यादा मैं टच ऑफ स्पाइस लगाती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, आई लव देयर फॉर्मुला। ये क्रीमी मैट है। सो क्रीमी मैट का मतलब क्या है, हल्की सी मैट भी होंगी, इतना तो ग्लॉसी नहीं होंगी लेकिन ये क्रीमी फील होंगी, आपके लिप्स को चैप नहीं करेगी, ड्राई आउट नहीं करेगी। सो ओनली कॉर्नर ये हल्की फुल्की आपके जो मास्क है ना उस पर ट्रांसफर हो जाती है, तो आप उसको लूज पाउडर सेट कर सकते हो, नो इश्यूज। बट द बेस्ट थिंग इज मेरे लिप्स चैप नहीं होते, ड्राई ड्राई फील नहीं होते। अगर आपके लिप्स बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं कोई भी लिपस्टिक लगाने से, गो फॉर दिस रेंज, ये काफी सही है। सो इसमें आपको 2 शेड रेंज मिलती है, एक मिलती है टच ऑफ स्पाइस, एक मिलती है नूड नुआंस। सो टच ऑफ स्पाइस एज अ सेट मैं यूज करती आ रही हूँ, मुझे काफी अच्छी लगती है, मुझे नूड नुआंस ट्राई करना था तो मैंने सेट ले लिया ये। आई फाइंड इट वर्थ इट, आई थिंक कितने का आता है, 598 का आता है लेकिन आपको डिस्काउंट पे और सस्ते में शायद मिल जाए अमेजोन या नायका पर, डेफिनेटली चेक इट आउट। ये 2 शेड एकदम परफेक्ट है अगर आप कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो, आपको थोड़े से न्यूट्रल शेड चाहिए जो हल्का सा पिंक टोन में हो या फिर थोड़ा सा न्यूड टोन में हो, तो ये दोनों शेड एकदम परफेक्ट है। टच ऑफ स्पाइस का बहुत अच्छा एक पिंक अंडरटोन आता है और नूड नुआंस का एकदम स्ट्रेट अप ब्राउन नूड एक कलर आता है, सो बोथ ऑफ देम आर जस्ट परफेक्ट, डेफिनेटली चेक इट आउट। लास्ट इन द मेकअप कैटेगरी इज दिस नायका ग्लैमर आई पेंसिल इन द शेड टील स्पेल 02। ये मेरी काफी टाइम से फेवरेट है, इट्स नॉट अ मंथली फेवरेट, ये मेरी बहुत टाइम से फेवरेट है, आई थिंक 3 या 4 महीने से मैं इसको यूज करती आ रही हूँ। आज मुझे इस स्वेटर से मैचिंग ये लगा ना, तो जो मैं अप्लाई करी थी आई वाज लाइक वेट यार, ये मैंने अपनी मंथली फेवरेट्स में कभी दिखाई नहीं, तो मैंने इसको आज इंक्लूड कर दिया। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, बहुत प्यारा टील कलर है ये, ऐसी पेंसिल फॉर्म में आती है, आप इसको इजिली शार्पन कर सकते हो, कुछ नहीं करना, जस्ट स्ट्रेच योर आईज, अप्लाई लाइक दिस एंड यू आर गुड टू गो। मैंने आज बिल्कुल भी आई शैडो नहीं लगाई, यू कैन सी नो आई शैडो ऑन माई आईलिड्स। थोड़ा बहुत जो मैं ब्लशर लगाती हूँ ना अपना, मैं अर्थ रिदम का मैंने आज वो लगाया था लिप एंड चीक टिंट, तो वो थोड़ा बहुत जो बचता है उसको मैं हल्का सा आईज के ऊपर लगा देती हूँ, अदरवाइज मैंने आई शैडो नहीं अप्लाई करी। आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, आप फटाफट वाला मेकअप करना चाहते हो, आपने कोई ब्राइट कलर की कुर्ती पहनी है, कोई टॉप पहना है, शर्ट पहनी है, तो ये वाला कलर बहुत प्रिटी लगता है आज के मेरे ब्लू स्वेटर के साथ, काफी अच्छे से मैच भी हो रहा है। मैंने विंटर्स में इसको काफी ज्यादा यूज किया, मैंने विंटर्स में बहुत सारे ब्लू टोन के कपड़े होते हैं ना, ब्लू कलर का कोट पहन लिया, तो कुछ नहीं किया, फटाफट आईज पर अप्लाई किया एंड आई एम गुड टू गो। ये ऑलमोस्ट एक आई शैडो जैसी पेंसिल है, आप इसके एक मोटी लाइन लगा के फिर हाथ से मिक्स
करके आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हो. सो अगर आप कम मेकअप करते हो ना, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन. आप इसको एज अ काजल, एज अ लाइनर, एज अ आई शेडो मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो और मुझे काफी सही लगती है. ये इतनी जल्दी स्मज नहीं होती, मेरे ऊपर वाली लिड्स पर ट्रांसफर नहीं होती. सो काफी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है. सो अगर इस पर कोई डील चल रही होगी नायका की, डेफिनेटली चेक. नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे जैन फेवरेट में फीचर करना था लेकिन ये कम्प्लीटली स्किप हो गया मेरे माइंड से. मैंने इस टाइम स्टोरी भी डाल दी बाद में कि ओ माई गॉड आई फॉरगॉट अबाउट इट. तो मैंने इंस्टेंटली लिख लिया था मेरे फेवरेट्स की लिस्ट में. वो है ये DHC का डीप क्लेंजिंग ऑयल. बहुत अच्छा ये क्लेंजिंग ऑयल है टू जस्ट रिमूव ऑल द मेकअप. आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रिव्यूअर्स को देखा होगा ट्राई करते हुए. सो DHC एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो अब नायका पर अवेलेबल है. ये सेट ऑफ टू मेकअप कुछ एक कॉम्बो आता है. इसके साथ आपको इसी के साइज का एक फेस वॉश मिलता है ब्लू कलर का, जो एक पाउडर फॉर्म में आता है. उसको हाथ पे डालो, उस पर पानी डालो, वो फोम बन के प्रॉपर फेस वॉश बन जाता है. मैंने वो फ्रेंकली अभी ट्राई नहीं किया, आई जस्ट यूज दिस, बट ये बहुत 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 अच्छा है. इतने अच्छे से ये मेकअप को हटा देता है ना. मैंने जितना भी शादी का मेकअप किया था ना, मैंने रात को आके मेकअप इसी से रिमूव किया है. खाली कुछ नहीं करना, हाथ पे लेना. इसकी पैकेजिंग भी काफी सही है. ऐसे डैप डैप करके काफी सारा ऑयल आपके हाथ में आ जाता है. मसाज किया अच्छे से एंड देन जस्ट मसाज इट ऑन योर फेस अच्छे से. ये आपके सारे मेकअप को, जो भी बेस मेकअप होता है, मस्कारा को, लिपस्टिक को बहुत अच्छे से रिमूव करता है. एंड द बेस्ट थिंग इज, मैंने बहुत सारे फेशियल ऑयल्स यूज करे हुए हैं लेकिन वो आईज में आके ना काफी बार स्टिंग करते हैं. चीज सेंसेशन फील होती है. इसके साथ ऐसा फील नहीं होता. तो अगर आपको, आपकी भी सेंसिटिव आईज है, आप कुछ देख रहे हो जो सेफ हो, आपकी आईज का मेकअप भी अच्छे से रिमूव करे, जेंटली रिमूव करे और उसको इरिटेट ना करे, गो फॉर दिस वन. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड है लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो, प्लीज ये ट्राई करना. इसका फुल साइज प्रोडक्ट भी आता है, आप डेफिनेटली ले सकते हो. आई थिंक मेकअप रिमूव करने का सबसे बेस्ट ऑयल है ये, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. नेक्स्ट जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा यूनिक है बिकॉज इससे पहले मैंने कभी भी कोई ऐसा पैकेजिंग या फिर प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया था जो ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता हो, जो अंदर से ऐसा जेल जैसा लगता हो लेकिन जब आप उसको स्प्रे करोगे वो एकदम सीरम जैसा बन जाता हो. दिस इज एक्चुअली वेरी यूनिक और ये यूनिक काम कोरियंस ही कर सकते हैं. जितने भी के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी यूनिक होते हैं. सो मुझे नायका से ना पूरा एक इनके ग्लोबल स्टोर का एक PR आया था. अगर आपको नहीं पता, आप नायका की फोन वाली ऐप पे जाओ या आपको उनके लैपटॉप या फिर लाइक आपके फुल स्क्रीन में नहीं दिखेगा, आपको फोन में ये फीचर दिखेगा. फोन पे जब आप नायका के लोगो पर टाइप करोगे ना, आपको दो तीन ऑप्शन देखते हैं. लेट मी जस्ट सी कितने ऑप्शंस आते हैं बिकॉज नायका ने अपने अलग अलग स्टोर बना दिए हैं. सो देयर इज अ नॉर्मल नायका का स्टोर, एक नायका लक्स का स्टोर है जिसके अंदर सारी हाई एंड ब्रांड्स होती है, और एक इन्होंने खोल दिया है ग्लोबल स्टोर जिसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं शिफ्ट अक्रॉस द ग्लोब. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोरिया, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाती है. सो जैसे आप ग्लोबल स्टोर में एंटर करते हो ना, आपको बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स वहां पर दिखती है. एंड द ओनली थिंग इज, ग्लोबल स्टोर के अंदर क्या है, आपको KYC करानी पड़ती है बिकॉज वो डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट करके आपके पास ला के देते हैं. तो उसमें KYC कंपल्सरी होती है और एक बार करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती. एक बार आपने KYC कर दी तो फिर आप ग्लोबल स्टोर से बार बार शॉपिंग कर सकते हो. सो ये मेरे पास उस PR में आया था. दिस इज फ्रॉम सम ब्रांड कॉल्ड प्रो रे नाटा. ये एलोवेरा कामिंग सीरम है जो जेल मिस्ट टाइप में आता है. सो कुछ स्प्रे फॉर्म में आता है एंड वंस यू कैन सी काफी थिक स्प्रे है. मुझे पहले लग रहा था ये इतनी सी बॉटल से निकलेगा या निकलेगा, बट ये काफी फाइन मिस्ट फॉर्म में निकलता है. लाइक द मिस्ट इज सुपर फाइन, आप देख भी नहीं सकते, और ये बिल्कुल जैसे लाइट सीरम होता ना वैसे स्प्रेड हो जाता है. आई एम लविंग दिस वन. सर्दियों में तो जब मेरी स्किन एकदम ड्राई फील होती है, मेरा मन नहीं होता मैं प्रॉपर फेस वॉश करूँ, स्किन केयर करूँ. खाली इसको स्प्रे किया अच्छा से, एकदम हाइड्रेशन फील हो जाती है. आई एम गुड टू गो. मैं इसको शेविंग करने से पहले भी यूज़ करती हूँ. मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ फिर मैं अपना फेस शेव करती हूँ. काफ़ी ईजी रहता है. सो ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट मुझे लगा. अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज करना चाहते हो इंटरनेशनल ब्यूटी में, डेफिनेटली चेकआउट देयर ग्लोबल स्टोर. आपको वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे. मेरे पास इनके एक दो प्रोडक्ट्स और हैं जो अलग अलग ब्रांड के फ्रॉम ग्लोबल स्टोर. डेफिनेटली मैं उनको ट्राई करूँगी और आपको नेक्स्ट टाइम या जो भी मैं मंथली फेस बनाऊंगी मैं आपको तब अपडेट करूंगी. बट फॉर नाउ आई एम लविंग दिस. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल जीरो होप से यूज किया था बिकॉज मैंने अब तक जितने भी अंडर आई लाइक सीरम्स या क्रीम्स यूज करे ना, वो इतना कोई इफेक्ट नहीं दिखाती. हल्का फुल्का मुझे फर्क फील होता है लेकिन इतना मैंने कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं देखा है. बट इसके साथ आई कैन डेफिनेटली से मैंने एक अच्छा खासा विजिबल डिफरेंस देखा है. मेरा जो यहाँ से डीप से डार्क सर्कल्स चल रहे थे ना, वो अब हल्के हल्के यहाँ से फेड होने शुरू हो गए. एंड इट इज अ लग्जरी स्किन केयर ब्रांड, ये बाय द ब्रांड मुराद, जो अब नायका पर अवेलेबल है. नायका पर एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो चुकी है. जो लोग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा मुराद ब्रांड के बारे में. डॉक्टर मुराद खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने ये ब्रांड पूरी बनाई है. सो ये एनवायरमेंटल शील्ड का इनका विटामिन सी आईज डार्क सर्कल करेक्टर. सो ये विटामिन सी बेस्ड समथिंग अंडर आई डार्कनेस के लिए, जो कहीं ना कहीं अंडर आई डार्कनेस को हील करता है, कहीं ना कहीं उसको लाइटन अप करने की कोशिश करता है. एंड इट एक्चुअली वर्क. मैंने जनवरी के मिड से लेकर पूरे फेब में इसको रेगुलरली डेली रात को यूज किया है. यू जस्ट नीड अ वेरी टाइनी पंप. तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मैं मानती हूँ, लाइक MRP सुन के आप खुद भी हिल जाओगे, इतना एक्सपेंसिव.
मैं इसका विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर रही हूँ जो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है. थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ब्रांड्स बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स है, बट आई थिंक दिस वन इज वर्थ इट. आपको टीनी टाइनी सा पंप चाहिए, मतलब अगर मैं अंडर आइज पे लगाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ऐसे बच के हल्का सा निकालती हूँ, दैट्स इट. आपको इससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छे से अंडर आइज पे स्प्रेड हो जाता है. द ओनली थिंग आई फील लाइक ना इसके अंदर मैंने कहाँ अप्लाई कर दी, यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ. कैन यू सी इसके अंदर ना एक शिमरी शिमरी पार्टिकल जैसा, आई डोंट नो, बाद में नहीं स्टे करता लेकिन जब मैं लगाती हूँ ना मेरी अंडर आइज पे ऐसा शिमर शिमर हल्का सा फील होता है. तो कुछ इन्होंने ग्लो समथिंग के लिए भी डाला हुआ है, बट डेफिनेटली फॉर अ लॉन्गर रन ये आपके अंडर आइज पे इफेक्ट दिखाता है. मेरे अभी अंदर वाले इतने हील नहीं हुए लेकिन हल्का हल्का फर्क मैंने आउटसाइड एरियाज में देखा, जो मेरी एक्सट्रीम डार्कनेस थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट मैं रात रात तक मेरा रील्स का नेटफ्लिक्स का मैराथन चलता रहता है, विच इज़ बैड. आई थिंक हम कितने भी अंडर आइज सीरम लगा लें अगर हम अपनी शेड्यूल को ठीक नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, बट डेफिनेटली इट वर्क्स. अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर आप नायका पर भी थोड़ा बहुत स्प्लर्ज कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई दिस, इट इज वर्थ योर मनी. बिफोर एनीवन कमेंट्स कि आप इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्यों बता रहे हो, मेरे पास एक सुपर 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 अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है मेरे फेवरेट्स में, वो है स्विस ब्यूटी की रोमांटिक फ्लोरल हैंड क्रीम. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पैकेजिंग, ये कहीं से भी आपको 90 rupees का प्रोडक्ट लग रहा है, बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा. आई लव 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 द पैकेजिंग, ऐसा लग रहा है मैंने कोई लग्जरी ब्रांड की हैंड क्रीम खरीदी है. ये मैंने अमेजोन से ली थी, आपने मेरे बहुत पहले वाले अमेजोन के किसी हॉल में देखा होगा. द ओनली थिंग इज अमेजोन से आप इसको खाली एक नहीं ले सकते, आप एक ऐड करोगे ऑटोमेटिकली दो हो जाएंगे बिकॉज इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दो ही है. काफी सस्ता प्रोडक्ट है ना, आई थिंक इसका MRP 99 है लेकिन ये आपको 90-85 rupees में भी Amazon से मिल जाता है. सो आपको दो ये लेनी ही पड़ती है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी है. तो अगर आप दो भी ऑर्डर करो ना तो एकदम बढ़िया, मैं तो कह रही हूँ चार ले लो, अपने हर बैग्स में इसको डाल दो. बहुत अच्छी हैंड क्रीम है, एज आई टोल्ड यू पैकेजिंग इसकी काफी सही है एंड आई रियली लाइक द कंसिस्टेंसी. बिल्कुल भी वो थिक थिक वाली हैंड क्रीम नहीं है जो हाथ में चिप चिप करती है, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा फील होती है, बहुत जल्दी आपके हैंड्स में चली जाती है, बहुत अच्छे से आपके हैंड्स को नरिश करती है. आजकल बहुत ज़्यादा हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, आई डोंट नो आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो अभी भी इनफ सैनिटाइजर यूज़ करती हूँ. मॉल में जाती हूँ, किसी स्टोर में भी जाती हूँ तो कंपलसरी होता है, बाबा ना हाथ इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. सो आई ऑलवेज कीप सच हैंड क्रीम. थोड़ी सी इसकी पैकेजिंग मोटू मोटू सी है, सो अगर आप अच्छे बड़े बैग कैरी करते हो तो ये फिट आ जाएगी, बट डेफिनेटली अमेजिंग. आई थिंक अंडर 99 में मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करना होगा ना, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. कमिंग टू बॉडी केयर, सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट रहा है फेब मंथ का, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्लीवलेस कपड़े पहने हैं शादियों के सीजन में, और जब स्लीवलेस पहनो ना तो अंडरआर्म की डार्कनेस हल्की सी विजिबल होती है. मैं शेव भी करती हूँ, शेविंग से वैसे डार्कनेस इतनी नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत तो अंडरआर्म्स पे ना एक पिगमेंटेशन डार्कनेस रहती है. सो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फेब में रेगुलरली यूज़ किया ताकि वो डार्कनेस थोड़ी सी कम हो जाए. यह ई क्लैट का ग्लो टॉनिक एक्सफोलिएटिंग फेशियल टोनर. सो ये जो पिक्सी ग्लो टॉनिक आता है उसका कहीं ना कहीं आप एक ड्यूप बोल सकते हो, बिकॉज ये भी एक ग्लो टॉनिक है विद ग्लाइकोलिक एसिड. नॉट जस्ट ग्लाइकोलिक एसिड, इसके अंदर लैक्टिक एसिड, रेड जिनसिंग, विच हेजल, रोज पेटल, हिबिस्कस, एलोवेरा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर. सो मुझे फेस के लिए ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं इतना ज़्यादा लाइक टोनर्स जो वैसे होते हैं ना केमिकल एक्सफोलिएंट बेस, मैं इतना यूज़ नहीं करती बिकॉज मैं सीरम्स में इनफ केमिकल एक्सफोलिएशन कर लेती हूँ. बट ये बॉडी के लिए बहुत सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी इज अमेजिंग एंड द बेस्ट थिंग इज ये ऐसे स्प्रे फॉर्म में आता है. जो पिक्सी ग्लो टॉनिक आता है ना वो स्प्रे फॉर्म में नहीं आता, तो उसको ऐसे डैप डैप करके लगाना पड़ता है. बट ये काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आपकी अंडरआर्म्स पे डार्कनेस है, आपकी एल्बोज बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको बैक पे जो एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं ना वो है, तो इससे उसको स्प्रे किया करो ऑल्टरनेट बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे, आपकी चॉइस है. इसको स्प्रे करके डैप डैप करके थोड़ी देर छोड़ दो, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड. ये केमिकल एक्सफोलिएट करेगा आपकी बॉडी को, जितने भी वहाँ पे बम्स होंगे, कॉमेडॉन्स होंगे, उसको भी एक्सफोलिएट करता है. एट द सेम टाइम ये लाइटन भी करता है वो वाले एरियाज को. मेरे अंडरआर्म्स पे एक अच्छा डिफरेंस मैंने देखा जब मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ. एंड द बेस्ट थिंग इज अभी जब मैं लिटरली सारा सामान कलेक्ट कर रही थी ना, मुझे उसी टाइम ई क्लैट से मैसेज आया था. ई क्लैट की फ्लैट 40% वाली सेल स्टार्ट हो चुकी है. ये पार्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये तो मैं वैसे इंक्लूड करने वाली थी फेवरेट्स में, सो एक शाउट आउट भी उनको मिल गया. और आप हमेशा कहते हो हमें बता दिया करो जब फ्लैट 40% ऑफ सेल आती है. आज से शुरू हो चुकी है, आई थिंक 7 या 8 या 9 तारीख तक चलेगी मार्च तक. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. मैं हमेशा बोलती हूँ ई क्लैट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं, आई एक्सेप्टेड, लेकिन जब फ्लैट 40% ऑफ सेल आती है इट इज वर्थ इट बिकॉज आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं. मैं नीचे लिंक डाल दूंगी एक पोस्ट का जिसमें मैंने ई क्लैट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट कि मुझे और इनके कौन से पसंद है. आई लाइक द एक्नेटेड का फेस वॉश, आई लाइक द फेड आउट सीरम. अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ आपको इनका मॉइस्चराइजर भी रिकमेंड किया था जैन फेवरेट्स में, हाइड्रो मॉइस्ट, जो इनका सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर आता है, अमेजिंग. 40% ऑफ पे तो यार ये बेस्ट है. इसका एक छोटा वर्जन भी आता है अगर आप इतनी बड़ी बॉटल नहीं लेना चाहते. इनकी एक टीनी सी स्प्रे बॉटल भी आती है, टीनी टाइनी सी, टीनी बोला मैंने, टीनी टाइनी होता है ना वैसे. सो वो आप ले सकते हो, वो आपको और चीपर प्राइस में मिल जाती है, प्लस उसमें 40% ऑफ भी हो जाएगा. सो डेफिनेटली चेक इट आउट फॉर बॉडी टैनिंग, फॉर पिगमेंटेशन, फॉर डार्क अंडरआर्म्स. आई थिंक दिस इज एक्चुअली वेरी गुड इन इफेक्ट. एंड
माई लास्ट फेवरेट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई प्रोडक्ट एम्प्टीज एज वेल, बिकॉज ये मैंने पूरा खत्म कर दिया. मैं इसको कल या परसों ना अपने प्रोडक्ट एम्प्टीज वाले बॉक्स में डाल रही थी. मैं 2 या 3 महीने में प्रोडक्ट एम्प्टीज वीडियो बनाती रहती हूँ, सो उस वीडियो में भी आपको दिख जाएगा. बट फिलहाल मेरा फेब का, जैन का एंड आई थिंक दिसंबर जैन फेब का जो मेरा फेवरेट बॉडी स्क्रब रहा है वो ये सोल डे जेनेरो का बॉडी स्क्रब. इसका नाम है बम बम बॉडी स्क्रब. वैसे इसको बूम बूम बोलते हैं, बिकॉज इस ब्रांड की जब मेरे पास डिस्क्रिप्शन आई थी ना तो उसमें उन्होंने ये बोला था, दे प्रोनाउंस इट एज बूम बूम बॉडी स्क्रब. ये एक शुगर का क्रिस्टल्स का क्रस्ट, कोपैको सीड समथिंग, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. ये भी एक लग्जरी ब्यूटी ब्रांड है जो नायका पर अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली. आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, खाली नायका पर ही मिलेगी. वेरी वेरी गुड. अगर आप इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स देखते हो ना तो आपको पता होगा सोल डे जेनेरो इज अ वेरी फेमस ब्रांड. एकदम वो बीच सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी लगी. कैन यू सी, मैंने पूरा एकदम स्कूप आउट कर दिया अच्छे से. अभी भी इसमें खुशबू आ रही है. आई लव इट. आई थिंक अगर आप थोड़ा सा स्पा वाली फील चाहते हो, आपको अपने आप को पैम्पर करना पसंद है, डेफिनेटली ट्राई इट. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट वर्थ योर मनी. एंड यू दिस माई फेव फेवरेट्स आर ओवर. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और भी किसी का अगर मैंने सेपरेट रिव्यू किया होगा तो मैं उस रिव्यू का भी लिंक डाल दूंगी. इसके अलावा प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पर भी आपको भर भर के रिव्यूज़ मिलेंगे. मैं स्टोरीज पर, अगर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती ना तो मैं स्टोरीज पर एक सॉर्ट ऑफ डेली व्लॉगिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मैं आपको अपनी डेली लाइफ के बारे में दिखाती रहती हूँ. मैं छोटे छोटे रिव्यूज़ करती हूँ स्टोरी पर. रील्स पर आपको कशी कुछ रिव्यूज देखने को मिलेंगे. प्लस एक गिवे आने वाला है मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैं खुद ही होस्ट कर रही हूँ फॉर माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फैमिली. यूट्यूब पर ना गिवे होस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऐसे ना आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. इंस्टाग्राम पर थोड़ा ईजी रहता है. सो प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो मी देयर एज वेल अगर आपको गिवे में पार्टिसिपेट करना है. स्टे ट्यून्ड, वो डेफिनेटली जल्दी आने वाला है. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल. यहाँ तक आ गए, सब्सक्राइब नहीं किया बड़ी बुरी बात है. सब्सक्राइब पर हिट करो, बेल आइकन पर हिट करो और फिर बाय बाय बोलो. बाय बाय मत बोलो, ये वाली वीडियोज भी देख सकते हो. यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज as well, and I'll see you next time. Bye bye.